अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं बच्चों आप लोग सब? जी बच्चों, मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर और आज हम एक नई कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी का नाम है कछुआ और सारस। चलिए अपनी दर्सी किताब खोल लीजिए, सफ़ा नंबर पंद्रह पे है कछुआ और सारस। अच्छा, ये कहानी बच्चों, इस कहानी के किरदार हैं एक का नाम कछुआ और एक का नाम सारस। अच्छा, इस कहानी में ये बता रहे हैं कि एक तालाब है, उस तालाब में एक कछुआ और दो सारस रहते थे और ये तीनों आपस में बहुत ही पक्के और बेहतरीन दोस्त थे। एक दफ़ा क्या हुआ, अच्छा सारस और कछुआ चूगे ये लोग सब बेहतरीन दोस्त थे, आपस में मिलजुल के रहते थे, लेकिन कछुए में ना एक आदत अच्छी नहीं थी। और वो आदत क्या थी कि वो बोलता बहुत था, वो हर वक्त बस बातें ही बनाता रहता था और कुछ ना कुछ कहता ही रहता था। और इस कछुए की इस आदत की वजह से सारस भी बड़े परेशान रहते थे। वो अक्सर उसको समझाते भी थे कि देखो, हमें ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, वक्त बेवक्त नहीं बोलना चाहिए, जिस वक्त जिस बात की ज़रूरत हो हमें वही कहना चाहिए। लेकिन जो है वो कछुए पर कुछ असर नहीं होता था और कछुआ अपनी आदत से मजबूर अपना मुँह बंद नहीं रखता था। फिर एक दफ़ा क्या हुआ कि मुल्क में जो है वो पूरा साल बारिश ही नहीं हुई और इतनी गर्मी पड़ी कि सारे तालाब का पानी सूखता चला गया। अब जब तालाब का पानी खुश हो गया, फसलें जो है ख़राब होने लगी, तब क्या किया कि सारस ने कहा कि अब हमें यहाँ चूँकि पानी ख़त्म हो गया, अब हमें कहीं दूसरी जगह चले जाना चाहिए। तो सारस के जो दूसरा सारस है उसने भी कहा कि हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। फिर क्या हुआ कि कछुआ ने कहा कि तुम तीनों तो मज़े से पर लगाओगे और उड़ के चले जाओगे, पर मुझे भी अपने साथ ले जाओ, मैं कैसे जाऊँगा। लेकिन सारस ने कहा कि ये तो बड़ा ही मुश्किल है, हम तो उड़ सकते हैं और तुम तो उड़ भी नहीं सकते, और इतने आहिस्ते चलोगे कि कैसे पहुँचोगे। तो कछुए ने कहा कि मैं यहाँ भी तो नहीं रह सकता, यहाँ चूँकि पानी खुश्क हो गया है तो मैं बिना पानी के कैसे रहूँगा। तो सारस ने कहा कि अच्छा, हम कुछ सोचते हैं। बड़ी सोच विचार के बाद दोनों सारस ने कछुए से कहा कि बस हम तुम्हें एक शर्त पे ले जाएंगे कि तुम अपना मुंह बंद रखना, यानी कि तुमने कुछ कहना नहीं है, ठीक है, कोई बात करनी नहीं है, तो हाँ खामोशी के साथ पूरा सफ़र तुमने हमारे साथ गुजारना है। कछुआ ने फौरन हाँ कर दी कि हाँ हाँ ठीक है, ये तो कोई मसला ही नहीं है, मैं खामोश रहूँगा। अब क्या हुआ, सारस ने जो है वो एक डंडी ली, दोनों डंडी ने सारस ने अपनी चोंच में दबा ली और कछुए से कहा कि इसको पकड़ लो, लेकिन बस अपना वादा याद रखना और अपना मुंह खोलना मत। अब ये हुआ कि सारस जब उड़ने लगे हवा में और कछुए को अपने साथ लेके जाने लगे, अब जब कछुआ जाने लगा हवा में उड़ता कछुआ देख के नीचे बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। बच्चों ने कहा अरे ये देखो कछुआ उड़ा है, क्योंकि ये तो बड़ी हैरानी की बात थी ना। अब सारे बच्चे मिलके शोर मचा रहे हैं, कभी कोई हंस रहा है, कोई हैरत कर रहा है, कोई परेशान हो रहा है कि ये कैसे हो सकता है। कछुआ ये देख कर जो है वो उसको गुस्सा आ गया और गुस्से से ही वो चीखने लगा कि खामोश हो जाओ बच्चों। उसने जैसे ही गुस्सा करने के लिए अपना मुंह खोला, वो धड़ाम से नीचे गिर गया और उसको चोट लग गई। तो बच्चों, इस कहानी का नतीजा क्या निकला कि हमें ना बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए और हमें बात माननी चाहिए। दूसरा, इस कहानी का सबसे सही नतीजा ये है कि हमें हर चीज़ में बेसब्रा नहीं होना चाहिए, हर काम में सब्र से करना चाहिए। अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसको सब्र से सुन लेना चाहिए। तो देखें कछुए ने कैसे अपने उसकी सज़ा पाई कि वो धड़ाम से नीचे गिर गया, उसको चोट भी लगी और वो अपने दोस्तों के साथ जा भी नहीं सका। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ ये आप कहानी आपको पसंद आई होगी। अब आपने इस कहानी को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना बच्चों, ये मज़ेदार कहानी। चलें अब हम इसकी मशक की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले हम सर्वर्क सफ़ा बनाएंगे और अल्फाज मायने करेंगे, ठीक है बच्चों। ये अल्फाज मायने हैं, आप जल्दी से अपनी नोटबुक खोल लीजिए, ठीक है। देखें ये सर्वर्क सफ़ा बना लिया हमने, ठीक है, आपने बहुत अच्छा सा बनाना है, और हमने अल्फाज मायने भी लिख लिए, ठीक है, ये अल्फाज मायने,
ठीक है। कूच करना यानी कि रवाना होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, दूर दराज बहुत दूर, सोच विचार गौर फिक्र करना, तरकीब सूझना तरीका ख्याल में आना, शोर गोल बहुत ज़्यादा शोर करना, मिन्नत समाजत आजिज़ी और खुशामद। चलें अब बच्चों आज आपने सवाल अल्फाज मायने करने और सवाल पहले सवाल का हिस्सा अलिफ करना है। कछुआ और सारस वक्त किस तरह गुजारते थे? कछुआ और सारस किस तरह वक्त गुजारते थे? कछुआ और सारस को अब ये देखें, सारस कछुए को जगह जगह की कहानियाँ सुनाते और कछुआ इन्हें तालाब के पौधों और जानवरों की मालूमात देता। यूँ सारस और कछुए दिन रात खूब मज़े में गुजर रहे थे। ठीक है, सवाल नंबर दो है, कछुए में कौन सी बुरी आदत थी? सवाल नंबर एक का हिस्सा बे, कछुए में कौन सी आदत बुरी थी जल्दी से बताएं। कछुआ बोलता बहुत था, कछुआ बहुत अच्छा था लेकिन उसमें एक बुरी आदत थी कि वो बातें बहुत बनाता था। तो बच्चों आपने सिर्फ सवाल नंबर एक का हिस्सा अलिफ, ठीक है, और हिस्सा बे करना है, कछुए में कौन सी बुरी आदत थी। ठीक है, अल्फाज मैंने और सवाल नंबर एक का हिस्सा अलिफ और बे करना है। ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह ताला अब हम अपनी अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।